दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने किया अपनी टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान करते हुए अपनी टीम में दो दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी कराई, जिनका सिर्फ नाम सुन लेने से विरोधी टीम के भी पसीने छूट गए हैं। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे मुकाबले के लिए किन दो खूंखार खिलाड़ियों की वापसी कराई, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज चल रही है, जहां पर दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सीरीज को बराबरी पर पहुंचा दिया है। इस सीरीज में पहले मुकाबले के अंदर भारतीय टीम ने बड़े ही रोमांचक तरीके से 2 रन के अंदर से श्रीलंका को हराया था, जिसके बाद दूसरे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने काफी ज्यादा खतरनाक कमबैक करते हुए भारतीय टीम को चारों खाने चित कर दिया और भारतीय टीम को 16 रन से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को मिली करारी शिकस्त के बाद सीरीज बराबरी पर पहुंच गई। ऐसे में अंतिम निर्णायक मुकाबला 7 जनवरी को राजकोट के मैदान पर होने वाला है। इस निर्णायक मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन और गिल को शामिल किया है, जहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि दोनों बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि पहले 2 मुकाबले इनके बेहतर साबित नहीं हुए हैं, लेकिन तीसरे मुकाबले में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि भारतीय टीम के लिए तीसरा नंबर सूर्य कुमार यादव के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे में सूर्य कुमार यादव कोशिश से नंबर पर उतारा जाए। इसके अलावा उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि हार्दिक पांड्या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि दीपक हुड्डा को 5वें नंबर पर बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को महेंद्र सिंह धोनी ने शामिल किया है, जो पिछले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में अगले मुकाबले के लिए इन पर फिर से उम्मीद जताई जा सकती है। इसके अलावा 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया जा सकता है, जो अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और इनको राहुल त्रिपाठी की जगह पर टीम में शामिल किया जाने वाला है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां दोस्तों, और उनकी जगह पर हर्षल पटेल को शामिल किया है, जो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना जानते हैं। इसके अलावा शिवा मावी, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाज विकल्प के तौर पर शामिल किया जाएगा और इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी सीरीज जीतने के लिए उतारना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? अपनी राय में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।